भागलपुर के सुल्तानगंज में सावन माह की अंतिम सोमवारी पर अजगैवीनाथ मंदिर सहित सुल्तानगंज प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु तड़के सुबह से ही सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी में गंगा स्नान कर फूल बेलपत्र अक्षत धूप दीप के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। लखीसराय जिले के कवैया थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 22 स्थित नरेश मंडल के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को असामाजिक तत्वों ने चुरा लिया। इस संबंध में विक्की कुमार ने बताया कि इसके पूर्व भी उनके साथ गाली गलौज किया जाता था एवं उनके दरवाजे को धक्का मारा जाता था। कैमरा लगा हुआ था सीसीटीवी कैमरा, जब हम 14 तारीख को देखें तो एक कैमरा काम नहीं कर रहा था, तो हम फुटेज को खंगाले तो देखें 11 तारीख को 11:11 में हैराम मंडल उसके साथ एक और व्यक्ति था जो कि कैमरा को उखाड़ के नोच के चोरी करके ले चल गया। उसका कोई बड़ा घटना का अंजाम देने का व्यवस्था लोग कर रहा था। क्या आपके साथ वो कभी भी विवादित भी चल रहा? हाँ, पहले से भी विवादित चल रहा था। थाना में एफआईआर किए हैं? थाना में एफआईआर कर दिए हैं, जो कि अभी 24 घंटा हो गया है, 2 दिन हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ कार्रवाई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो हुआ विक्की कुमार। और घर कहाँ है? घर है पचना रोड वार्ड नंबर 22 स्कूल बस्ती। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष लखीसराय के स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय जिले के बढ़िया नगर पंचायत के तहत विभिन्न वार्डों तथा गांवों में आई बाढ़ से उपजे हालात के मद्देनजर जिला अतिथि गृह में आज जिले के जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की और समीक्षा की। आज कुछ और गांव प्रभावित हुआ है। हम लोगों ने कहा कि अभी 67 नाव जिला की ओर से जो चल रही है वो नाव दिखाई पड़े, इसके लिए उस पर झंडा लगाइए, सरकार का बैनर लगवाइए कि निःशुल्क आपदा प्रबंधन की ओर से इसकी सेवा दी जा रही है। भागलपुर सुल्तानगंज के गनगनिया पंचायत के महादलित टोला में बाढ़ के पानी से 6 दिन से प्रभावित होने पर सरकार के द्वारा लाभ नहीं मिलने पर प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर सरकारी सहायता की मांग की गई। इस दौरान पूर्व पंचायत समिति सदस्य सह जेडीयू अल्पसंख्यक प्रखंड मोहम्मद सलीमुद्दीन ने बताया कि बाढ़ से गनगनिया पंचायत प्रभावित है और हमें कोई सहायता नहीं मिल रही है, जिस वजह से मुख्यालय पहुंचकर धरना दिया जा रहा है। पन्नी दे घर के ऊपर से झाप करके अभी रह रहे हैं, जब पानी पड़ते तब। कितना लोग आए आप लोग? कितना देखा नहीं कितना बच्चा। 8 नंबर वार्ड में जो है महादलित टोला है, वहाँ बाढ़ पूरे प्रखंड में सबसे पहले बाढ़ आती है और सबसे पहले वहाँ के लोग प्रभावित होते हैं और उसी को आज तक भोजन पानी प्लास्टिक कुछ व्यवस्था नहीं मिला। ये लोग बाढ़ के पानी से इतने तो बुरी तरह से घिरा हुआ कि रेलवे लाइन पकड़े हुआ है, इन लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है सही समय पर, इसीलिए ये लोग यहाँ पहुँचे हुए। जी, इसीलिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। प्रखंड खुले आसमान के नीचे जी रहा है ये लोग, इन लोग को पोलोथीन की ज़रूरत है। परिचय सर, मेरा परिचय मोहम्मद सलामुद्दीन, पूर्व पंचायत समिति सह जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के इंग्लिश चिचरौन पंचायत के पैन गांव में बाढ़ पीड़ितों को भोजन नहीं मिलने पर प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए पदाधिकारियों से भोजन की मांग की गई। हम लोग ग्राम पैन से 1 नंबर 2 नंबर पंचायत इंग्लिश चिचरौन बाढ़ से प्रभावित है। हाँ, बाढ़ से पीड़ित है। तो किस लिए आए हैं प्रखंड मुख्यालय? हम लोग राहत सामग्री के लिए आए हैं, शिविर के लिए। नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। किसी भी प्रकार का राहत नहीं मिल रहा है? किसी भी प्रकार का राहत सामग्री अभी तक नहीं मिला। भागलपुर सुल्तानगंज के मंजली बांध में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर बांध के ऊपर से गंगा का पानी देर रात से बहना शुरू हो गया है, जो तीव्र गति से पानी का बहाव होने लगा है। गांव व पंचायत गंगा के पानी से जलमग्न हो सकते हैं, इसको लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल कायम है। अगर प्रशासन द्वारा बांध के ऊपर से गंगा का पानी रोकथाम किया जाता है तो कई गाँव के लोग व पंचायत के लोग बच सकते हैं।
से पानी है जो बहाव जो शुरू हुआ है। देखिए ये मंझली बांध में लगातार आज 4-5 दिन से पानी वृद्धि हो रहा है और स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आप देख रहे हैं संग रोड क्रॉस कर रहा है पानी और इस रोड में कई जगह ऐसा खतरा बना हुआ है कि वो कब टूट जाएगा ये कहना मुश्किल है। और इस पर हम लोगों ने, ग्रामीणों ने, माननीय विधायक जी ने अगले पदाधिकारी को भी फोन करके सूचित कर दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई पहल नहीं हो रहा है। तो कार्य हो रहा है तो सभी विभाग से भेजे गए हैं जो बालू और मिट्टी दोनों मिला करके प्रयास किया जा रहा है कि इस बांध को बचाया जाए, लेकिन स्थिति भयावह है। क्या लगता है कि अगर ये बांध अगर कुछ क्षति होता है तो कितने गांव तबाह होंगे? ये जिस तरह से पानी का बहाव तेज हो रहा है, अगर ये बांध टूट जाता है तो हमको लग रहा है कि सैकड़ों गांव यहां से नाथनगर ले होकर के सियाचक का पूरा पंचायत, कटहरा, उधाड़ी, भीरपुर पंचायत, शाहबाद, मिरट्टी, ये होते हुए इस इलाके में जो सीमा है इस सबको बर्बाद कर रहा है। जो पहले रोड पे पानी का बहाव शुरू हो गया है रात से, अब वहाँ पर आरओ के द्वारा कुछ बोरा, नौ मात्र बोरा का जो है लगाया जा रहा है, उससे बहुत कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। यदि पानी का बढ़ोतरी इसी तरह से रहा तो आने वाले दिन में कोई भी तरह का घटना घट सकता है, आगे का गाँव जो है वह पूरी तरह जलमग्न हो सकता है। तो इसके लिए अधिकारी को सूचना दी, इसके लिए हम अंचलाधिकारी से भी वार्तालाप कर रहे हैं, प्रखंड विकास अधिकारी से बात किए हैं, स्कूटी इंजन से भी बात किए हैं, लेकिन भागलपुर राहत व सहायता की मांग को लेकर नाथनगर अंचल अंतर्गत नगर निगम वार्ड 9 के बाढ़ पीड़ितों ने भाकपा माले के बैनर तले आज स्थानीय साहिबगंज चौक पर मुख्य मार्ग को जाम किया। भाकपा माले के साहिबगंज ब्रांच सह नगर कमेटी सदस्य बीरबल यादव के नेतृत्व में सैकड़ों स्थानीय बाढ़ पीड़ित महिला, पुरुष व बच्चों ने मौके पर टायर जलाकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए घंटों प्रदर्शन किया। मेरा घर सब जग मोहल्ला डूब गया है, आज दिन तक ना कोई यहाँ प्रशासन आया देखने के लिए, ना आज दिन तक कोई पूछने के लिए कोई पदाधिकारी आया, नहीं आज दिन के लिए जो कि कोई जो नेता रूप लोग आया देखने के लिए। आज ये बाढ़ आए हुए कितने दिन हो गए? 10 दिन से ऊपर हो रहा है, 10 दिन से ऊपर हो रहा है, सब घर से बेघर हो गया, कीड़ा मकोड़ा काट रहा है सर, अभी घर में सांप है और जो कि रात में जहरीला सांप दौड़ता है, ना तो कोई बकरी की व्यवस्था, ना कोई जो हम जो भी राहत में गया है बैठा सोया हुआ मंदिर में जाकर ना उसको खाना